गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ शिवम सक्सेना योर केमिस्ट्री टीचर। हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। ओके, अभी आपके सिलेबस में काफ़ी चेंज हुआ है और आप जाकर के सीबीएसई की साइट पर जाकर के चेक कीजिए। फर्स्ट चैप्टर में ही आपका नेचर ऑफ मैटर जो है वो हटाया गया है, लॉ सारे हटा दिए गए हैं एंड कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल जो चीज़ें हटा दी गई हैं उन्हें मैं जाहिर सी बात नहीं पढ़ूंगा। ओके, तो अभी जो हमें आज डिस्कस करना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। आज हम मेजरमेंट की तरफ चलेंगे। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मैटर की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनको मेजर कैसे किया जाता है आज हम ये भी जानेंगे। ओके, तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फिजिकल प्रॉपर्टीज है मैटर की कौन कौन सी है, लाइक मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ओके, लेंथ एक्सेट्रा। ऐसे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की जिनको आज हम जानेंगे और साथ साथ इसका मेजरमेंट सीखेंगे। तो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें तो आपने पढ़ रखी है छोटे क्लासेस में। ओके, तो ये मुझे आपको बस इतना पहले बताना था कि मैटर की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, लेंथ, वेट एक्सेट्रा, बहुत अभी और सारी, टेम्परेचर, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ऐसे करके इन फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर कैसे किया जाएगा हम अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने जान लिया कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, अब इसको मेजर करने के लिए कुछ सिस्टम बनाएंगे। वो सिस्टम कौन कौन से हैं हम वन बाय वन समझते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जिस सिस्टम को बनाया गया था वो था सीजीएस सिस्टम। कौन सा था? सीजीएस। सीजीएस सिस्टम क्या होता है देखिए, सीजीएस का मतलब है सी दैट इज सेंटीमीटर, जी दैट इज ग्राम एंड एस फॉर क्या है, सेकेंड। ओके, सेंटीमीटर जो ये यूनिट होगी ये होगी लेंथ की, ग्राम यूनिट होगा मास का एंड सेकेंड यूनिट होगा टाइम का। तो सबसे पहले जो सिस्टम बनाया गया उसे कहा गया सीजीएस सिस्टम, दैट इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ओके, सीजीएस के बाद हमारे पास या जो सिस्टम बनाया गया उसे नाम दिया गया एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस क्या है? एम मतलब यहां पर है मीटर, के दैट इज किलोग्राम एंड एस दैट इज सेकेंड। एमकेएस में कौन आ रहा है? ये हमारा एमकेएस सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड हुआ था और एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड आ रहा है, जहां पर मीटर क्या है, लेंथ की यूनिट, किलोग्राम क्या है, मास की यूनिट एंड सेकेंड क्या है, ये है हमारी टाइम की यूनिट। ओके, लेंथ की यूनिट हमको क्या मिली, मीटर, मास की किलोग्राम एंड टाइम की सेकेंड। टाइम की जो यूनिट सीजीएस में थी वो भी सेकेंड ही थी और एमकेएस में भी सेकेंड ही है। ओके, अभी इसी को मैट्रिक सिस्टम नाम भी दिया जाता है, आप बुक में पढ़ेंगे इसकी काफी हिस्ट्री है और जाहिर सी बात है कि मैं आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ाने तो आया नहीं हूँ, मैं आया हूँ आपको केमिस्ट्री पढ़ाने। ओके, तो ये हुआ हमारी बात
सीजीएस एंड एमकेएस की। इसी एमकेएस का अपडेटेड फॉर्म, न्यू वर्जन, एंड्रॉइड सिस्टम आप कह सकते हैं, इसी एमकेएस का एक अपडेटेड फॉर्म है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम इसी एमकेएस का एक अपडेटेड फॉर्म आप कह सकते हैं। ओके, क्या नाम दिया गया है? एसआई सिस्टम। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई यूनिट की अगर बात की जाए तो इसको कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज वर्ल्ड वाइड जो भी चीजें एक्सेप्ट की गई है वो एसआई के थ्रू एक्सेप्ट की गई है। एसआई यूनिट के लिए हमें कुछ चीजों को और भी जानना पड़ेगा। अभी हमने जाना क्या, सीजीएस सबसे पहले जो आया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, उसके बाद हमने एमकेएस की बात की मीटर किलोग्राम सेकंड, और इसी मीटर एमकेएस का एक अपडेटेड फॉर्म बना जिसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई सिस्टम वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, ठीक है, हर जगह पर फॉलो हो रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने का काम भी करते हैं। ओके, तो अभी आपने एसआई सिस्टम के बारे में इतना सा जाना, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, और साथ साथ ये भी जाना कि ये एमकेएस का ही एक अपडेटेड फॉर्म। ओके, अभी जो हमारी एसआई सिस्टम है उसमें 7 बेसिक यूनिट होती है। ये जो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट है ये क्या रखते हैं, 7 बेसिक यूनिट। अब आप सोचेंगे इनके पास ऐसी कौन सी 7 बेसिक यूनिट है, बुक में दे रखा है, हम वन बाय वन एक एक चीज को लेके चलते हैं। तो अभी मैं इसको रेस करता हूं, हमने क्या जाना कि एसआई सिस्टम में 7 बेसिक यूनिट है, हम डिस्कस कर रहे हैं एसआई। ठीक है, ठीक, इसमें कितने 7 बेसिक यूनिट हैं, उसी बेसिक यूनिट को फॉलो करते हुए हम फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करेंगे। ओके, तो अभी देखिए हम मैं चार्ट बना रहा हूँ आपके लिए, टेबल यहां पर है, फिजिकल क्वांटिटी वन मिनट, ये हुआ हमारा फिजिकल क्वांटिटी। ओके, और कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर ले लो या टाइम ले लो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट, इसके बाद हम ले लेते हैं टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अभी कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड लास्ट वन है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी हुई, 4, 5, 6 एंड लास्ट वन है हमारा 7। ये हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटी हुई, फर्स्ट वन इज लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड आपका क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। रिपीट कर रहा हूं, LMTETAL कैसे है, LMTETAL
हम क्या करते हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं कि इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसका सिंबल क्या है। तो अभी देखिएगा, अगर हम सिंबल पर चले तो इसके सिंबल कौन से, लेंथ का सिंबल क्या होगा, आपको पहले से पता है एल से डिनोट किया जाता है, ठीक है, मास को एम से, टेम्परेचर को टी से, इलेक्ट्रिक करंट से हमारा कैंडिला में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा हमारा। टाइम की अगर देखिए वन बाय वन हम चलते हैं, लेंथ हो गया हमारा एल, मास हो गया एम, टेम्परेचर हो गया टी, इलेक्ट्रिक करंट आई में आ गया जिसको एम्पियर बताएंगे, इलेक्ट्रिक करंट हमारा आई में आया, टाइम टी में आया, देखिए लेंथ हो गया हमारा एल, मास एम, टेम्परेचर कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट आई, टाइम टी, ऐसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और ऐसे ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी को भी डिनोट किया जाएगा। ओके, तो आप फिर से देख लीजिए, जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो सेवन है, लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये इसके सिंबल हो गए। ओके, अभी सिंबल के बाद हम चलते हैं इनकी एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट की लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, तो आपको पता है मीटर, मास की किलोग्राम, किलोग्राम, टेम्परेचर की है केल्विन। ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखते चलिएगा कि लेंथ की एसआई यूनिट होगी मीटर, मास की किलोग्राम, टेम्परेचर की केल्विन, अभी आगे इलेक्ट्रिक करंट की तरफ एम्पियर, ठीक है, टाइम का क्या होगा सेकेंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, मोल को आपने नाइन्थ में पढ़ रखा है, आज हम और आगे हम और डिस्कस करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको बोलते हैं कैंडिला, ओके, तो अभी फिर से एक बार देख लीजिए, लेंथ एल मीटर, लेंथ की जो एसआई यूनिट है वो है मीटर, मास की किलोग्राम, टेम्परेचर की केल्विन, टाइम की सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है कैंडिला। ओके, तो ये सारी अभी चीजें हुई, एम्पियर है ये थोड़ा सा करेक्ट कर दिया, अभी हम जो इसकी एसआई यूनिट है हम उसका सिंबल लेंगे, सिंबल थोड़ा सा मैं इसको मिनट, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ये आ गया फिजिकल क्वांटिटी, ये उस फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है और ये उसकी एसआई यूनिट है, और ये हम लिखने जा रहे हैं सिंबल ऑफ एसआई यूनिट। मीटर का सिंबल क्या होगा एम, किलोग्राम का केजी, केल्विन का के, एम्पियर का ए होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, सेकंड का एस होगा, मोल, मोल के सिंबल पर आप ध्यान से देखिएगा बेटा, बच्चे इसमें गलती करते हैं, मोल का जो सिंबल है वो है एम ओ एल, जो यूनिट है वो है एम ओ एल ई मोल, और मोल का जो सिंबल है वो है एम ओ एल, यहां पर ई है यहां पर ई नहीं है, इस चीजों पर आपको ध्यान देना है। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट है एसआई यूनिट वो है एम ओ एल ई मोल, और उस मोल का, उस मोल को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, एम ओ एल, ठीक है। तो ये हुआ, कैंडिला को लिखते हैं सीडी में। ओके, तो ये आपका क्या क्या आपने जाना, आपने सिंपल सा जाना कि ये सेवन फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब इनके सिंबल हो गए और ये इनकी यूनिट हो गई, और इस यूनिट का सिंबल ये हो गया, ठीक।
ये एसआई यूनिट का वर्ड फॉर्म है। देखिएगा, ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है ऑन लेंथ, उसका वर्ड फॉर्म है METRE मीटर और सिंबल है M। ऐसे ही मास फिजिकल क्वांटिटी है, उसका वर्ड फॉर्म है किलोग्राम, वर्ड फॉर्म, और वर्ड फॉर्म का कह सकते हो सिंबल जो है वो है केजी। टेम्परेचर का वर्ड फॉर्म है केल्विन, सिंबल है के। इलेक्ट्रिक करंट का वर्ड फॉर्म है एम्पियर एंड सिंबल है ए। टाइम का वर्ड फॉर्म है सेकेंड एंड सिंबल है एस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का वर्ड फॉर्म है मोल, एसआई जो यूनिट है उसकी वर्ड फॉर्म है मोल और सिंबल है MOF। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एसआई यूनिट इन वर्ड फॉर्म कैंडेला एंड सिंबल क्या है CB। ओके, तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा, तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। अभी इसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी दे रखी है या जो हमारे पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जो 7 बेसिक यूनिट है हमारे पास, कौन कौन सी, मीटर, मीटर, किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर, सेकेंड, मोल एंड सीडी, जो हमारे पास एसआई यूनिट है, कौन कौन सी 7 बेसिक यूनिट है, मीटर, किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर, सेकेंड, मोल, सीडी। ये जो 7 बेसिक यूनिट है, इन्हीं यूनिट की हेल्प से हम और भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी की यूनिट कैलकुलेट करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा कि ये जो 7 बेसिक यूनिट है, इन्हीं यूनिट की हेल्प से हम और भी यूनिट कैलकुलेट करते हैं, और भी फिजिकल प्रॉपर्टी की यूनिट कैलकुलेट करते हैं, और उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। जैसे मैं डिराइव्ड हूं किसका, अपने फादर का। आप डिराइव्ड हैं किसके, अपने फादर का। ओके, तो वैसे ही ये हमारी बेसिक चीजें होंगी, और इन्हीं बेसिक चीजों के हेल्प से, बेसिक यूनिट के हेल्प से हम कुछ और भी फिजिकल प्रॉपर्टी है उनकी भी एसआई यूनिट कैलकुलेट करते हैं। लाइक डेंसिटी, यहां पर देखिए क्या डेंसिटी दे रखा है, नहीं दे रखा है, फोर्स, ठीक है, वर्क, इन सारी जो ये सारी जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, इन सब की यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हमें इन्हीं बेसिक यूनिट पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ये समझ में आ गया है। मैं डिराइव यूनिट आपको बताता हूं क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी, यूनिट का कुछ फंडा। अभी यूनिट को लिखने का एक तरीका भी है, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं ताकि आपको कुछ और भी क्लियर हो। जैसे एक है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट, अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, अभी आपका कंसेप्ट भी क्लियर करा दिया। टेम्परेचर एंड हीट में क्या डिफरेंस होता है, क्या लगता है बेटा, क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। तो हीट क्या है एंड टेम्परेचर क्या है, बहुत सारे बच्चे टेम्परेचर और हीट को एक ही जैसा मानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर घट गया, बट हीट का यूज नहीं करते। तो हीट है, हीट है, हीट है क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की ओर फ्लो कर रहा है। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, दैट इज हमारी बॉडी ज्यादा हीट हो चुकी। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है। अभी मैंने फिजिकल क्वांटिटी लिखवाई थी थर्ड वाली, टेम्परेचर देखेंगे तो टेम्परेचर हीट नहीं है, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, और उस फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू हम हीट की कह सकते हो अमाउंट को कैलकुलेट करने का काम करते हैं। टेम्परेचर के थ्रू जो हमारे पास स्केल है, कौन कौन से, केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट,
ये सब हीट को मीजर करने का काम करते हैं। टेम्परेचर कोई हीट नहीं है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हीट को मीजर करने का काम करता है। अभी आपको कुछ और क्लियर हो गया होगा, ये मेरी गलती है। ओके, कि टेम्परेचर हमारा क्या है, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी, ना कि वो हीट को मीजर करने का काम करता है। ओके, समझ रहे हैं बात को? तो चलिए ये भी आपको अभी क्लियर हुआ होगा। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं बात करूं डिराइव यूनिट की, तो देखिए डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, आप पढ़ते आ रहे हो जितना ज्यादा कॉम्पैक्टनेस होगी उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। डी इज इक्वल टू क्या होता है, एम अपॉन वी। अब एम है मास, तो यानी था मास। V क्या है, वैल्यूम, तो ये हो गया वैल्यूम। अब मास की यूनिट क्या है, मास की यूनिट आपने पढ़ा है, क्या होता है मास की यूनिट, किलोग्राम, वेरी गुड। चलिए और वैल्यूम क्या है, वैल्यूम अगर आप मीटर में ले रहे हैं तो वैल्यूम होता है लेंथ, हाइट, ब्रॉड, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो ये हो गया मीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास किलोग्राम पर, ऐसे भी लिख सकते इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनवर्स। तो ये बन गई हमारी डिराइव यूनिट, क्यों, क्योंकि इसको ये जो बना हमारे पास ये आया हमारा डिराइव यूनिट, क्यों, क्योंकि इसको हमने जो हमारी बेसिक यूनिट थी उसके हेल्प से कैलकुलेट किया। बेसिक यूनिट के हेल्प से हमें ये यूनिट मिली है, तो ये हो गई हमारी डिराइव यूनिट। ओके, अभी देखिए कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे आप लोगों को, ठीक है। अभी हमने ये जान लिया कि यूनिट का फंडा क्या है, अभी एक रूल बताता हूं आपको यूनिट को रिप्रेजेंट करने का। कभी भी वर्ल्ड फॉर्म एंड सिंबल, इन दोनों को एक साथ नहीं लिखा जाता है। वर्ड एंड सिंबल अगर आप एक साथ लिख रहे हैं तो वो गलत हो गया। जैसे मैं ऐसे लिखूं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है यूनिट का। या किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये भी रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, क्यों, क्योंकि यहां पर ये वर्ड फॉर्म है मीटर का और ये सिंबल है किलोग्राम का, तो वर्ड और सिंबल को एक साथ हम नहीं मिक्स करेंगे। अगर हम लिख रहे हैं तो हम या तो वर्ड फॉर्म में लिखें किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। मैं ऐसे बताना चाहूंगा ताकि आपको थोड़ा और समझ में आ जाए। देखिए हम बिल्कुल इसको ये मैंने क्या बताया आपको कि हम वर्ड फॉर्म और सिंबल को एक साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या तो हम सिंबल लिखें या तो हम वर्ड लिखें। तो देखिए अभी मैं सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये सिंबल के थ्रू किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया, या किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स, ये हमारा सही हुआ, क्यों, क्योंकि किलोग्राम का सिंबल है केजी और मीटर का सिंबल होता है एम और पर का सिंबल था ये, तो यहां पर सारी चीजें सिंबल के फॉर्म में है, ठीक है। अगर आप सिंबल से लिख रहे हो तो फिर आपको सिंबल के थ्रू ही रिप्रेजेंट करना है, वर्ड नहीं इन्वॉल्व करना है। और अगर आप वर्ड लिख रहे हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अगर आप, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप सिंबल लिख रहे हैं
तो फिर आप सिंबल ही लिखिए, उसमें वर्ड मत इन्वॉल्व कीजिए। और अगर आप वर्ड लिख रहे हैं तो वर्ड लिखिए, सिंबल मत इन्वॉल्व कीजिए। दैट इज सिंबल और वर्ड को एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना। अब ये मैं बार बार सिंबल और वर्ड बोल रहा हूँ, ये है क्या? अभी जो बेटा टेबल बनवाया था वहां पर आपको पहले यूनिट का मैंने वर्ड फॉर्म बताया था, एसआई यूनिट, और फिर उसका सिंबल बताया था। जैसे एमओ यानी मोल, ये वर्ड है, एसआई यूनिट किसकी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का वर्ड फॉर्म, और उसकी इसका सिंबल का है एमओएल। ठीक है, तो आपको कई जगहों पर एमओएल लिखा रहेगा तो बच्चे समझते हैं ये स्पेलिंग मिस्टेक है, बिल्कुल ऐसा नहीं। ये क्या है, ये MOL मोल का सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, सिंबोलिक सिंबल रिप्रेजेंट के थ्रू बताया जा रहा है। ओके, तो हमने ये सीखा कि हम वर्ड फॉर्म और सिंबल फॉर्म दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। अगर वर्ड फॉर्म लिख रहे हैं तो फिर वर्ड फॉर्म, और अगर सिंबल फॉर्म लिख रहे हैं तो बेटा हम सिर्फ सिंबल फॉर्म ही लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा होगा यूनिट, हमने जान लिया। अभी हम बात करें कुछ फिजिकल क्वांटिटी की, मैटर की, जिसमें सबसे पहला आता है मास एंड वेट। मैं सारे आपको नहीं बताऊंगा, अब मैं आपको वॉल्यूम नहीं बताऊंगा, डेंसिटी नहीं बताऊंगा, ये सारी चीजें आप छोटे क्लासेस से पढ़ते हैं। चलिए मास और वेट, ये इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, क्या लगता है मास क्या है वेट क्या है? जब भी हम कहीं पर जाते हैं, अगर हम कहीं डॉक्टर के यहाँ गए या वेटिंग मशीन, नाम है वेटिंग मशीन, ऐसे मैं खड़ा होता हूँ तो कहता हूँ कि यार मेरा जो वेट है वो 70 kg है या 60 kg है या 50 kg है, वेट बोलते हैं। ओके, तो ये मास और वेट है क्या? मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मैटर। जैसे मैं एक मैटर हूँ, मेरे अंदर जो भी सब्सटेंस हैं, जो भी सब्सटेंस, एटम, मॉलिक्यूल, ये सारी चीजें, ठीक है, इन सारी चीजों को आप हटा दो, ठीक है, चश्मे में को हटा दो, तो मेरे अंदर जो भी सब्सटेंस भरा हुआ है, ये जो मैं मैटर, ये भी एक मैटर है। अब इस मैटर के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी सब्सटेंस हैं, वो इसका मास होंगी। वो क्या होगा बेटा? मास। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मास क्या है कि मैटर के अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे मैं मैटर हूं और मेरे अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो हमारा हो गया मास। अभी वेट क्या है? वेट क्या होगा? अब ग्रेविटी मुझ पर जो फोर्स एग्जर्ट कर रही है, द फोर्स एक्सर्टेड बाई ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। मास क्या है? हमारे बॉडी में जो भी सब्सटेंस है वो हमारा मास होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेकिन वेट क्या है? ग्रेविटी के थ्रू जो हम पर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो वेट होगा। क्या ग्रेविटी कोई फोर्स एग्जर्ट करता है? बिल्कुल एग्जर्ट करता है, वरना अगर ये चाक ऊपर फेंक दिया जाए तो ये नीचे कैसे गिरेगा? फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, आपको पता है। ओके, अभी मास अगर हम चले हम सब लोग चांद पे चलते हैं, चांद के पार चल, तो पार तो नहीं चलते लेकिन हाँ चांद पे ही चलिए। चांद पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर होगा कौन? होगा भाई कोई नहीं, ठीक है, लेकिन हम और आप चलिए चलते हैं, तो वहां पर जब आप चांद पर जाएंगे तो वहां पर जो मास होगा वो फिक्स होगा। फिक्स होगा क्या? क्योंकि भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो हमारे अंदर से गायब नहीं हो जाएगा, जो भी हमारे अंदर एटम मॉलिक्यूल या जो भी चीजें हैं, ये सारे, ये सब कुछ जो भी है वो तो एज इट इज रहेगा ना, वो थोड़ी ना गायब होगा। तो मास जो होता है वो चांद पे जाए, सूरज पे जाए, ठीक है, समुंदर में जाए, तालाब में जाए, गली मोहल्ले में जाए, वो मास हमारा फिक्स ही रहेगा। लेकिन वेट क्या होता है? अब अगर हम चांद पर गए तो हमारे वेट में क्या चेंज आएगा, ये आपके लिए प्यारा सा होमवर्क होगा। अगर आप 60 kg के हैं तो आपका वेट चांद पर कितना होगा? ओके, तो ये हमारा एक टॉपिक हुआ जिसको हमने आज जाना, ठीक है, क्या जाना हमने,
एक तो हमने जाना फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर मेजरमेंट, ठीक, और साथ साथ सारी फिजिकल क्वांटिटी को देखा, उसकी बेसिक यूनिट को देखा, ठीक, और मास और वेट में क्या डिफरेंस है ये भी हमने जाना। देखिए टेम्परेचर का जो स्केल है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, केल्विन, ये सब आप छोटे छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, थोड़ी कोशिश करो ताकि मैं आपको अच्छे टॉपिक की तरफ ले जाऊं, ठीक है। जैसे टेम्परेचर आप केल्विन में कैसे चेंज करोगे, तो क्या करना है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे, फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये सारी चीज आपने पढ़ रखी है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ये सब क्लास 9th में ही आपके साथ डिस्कस किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं बताया गया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो कोई टफ टॉपिक नहीं है। हाँ, कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। तो चलिए, तो अभी ये हो गया और अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, क्या बताना चाहता है, तो चलिए देखिए। सिग्निफिकेंट फिगर में कुछ डिजिट का यूज किया जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर हैविंग सम सर्टेन डिजिट एंड एट लीस्ट वन अनसर्टेन डिजिट। क्या बात हो रही है, सर्टेन डिजिट की बात हो रही है और कुछ अनसर्टेन डिजिट की बात हो रही है। मिनिमम वन अनसर्टेन डिजिट तो होंगे ही होंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, सर्टेन डिजिट होंगे और साथ साथ कुछ अनसर्टेन डिजिट होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज करो कि फलाने की शादी है, ठीक है, और उनके यहाँ जो बाराती आने वाले हैं उन बारातियों की जो संख्या बताई जा रही है वो बताई जा रही है 530 के आस, ठीक है। अभी इसमें सर्टेन क्या है, अनसर्टेन क्या है, सर्टेन ये है कि 500 तो फिक्स है, 500 बाराती तो आने ही आने, लेकिन ये जो 30 है ये 31 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। तो सर्टेन कौन सा मिला, ये 500, और ये 30 क्या है, ये